जिसे कहते हैं ओरिजिनल बर्गरी ब्रीड, वो देखिए सेल है, देखिए ये फॉर सेल है। हाँ ये फॉर सेल नहीं है, ये है बनाई, ये है, ये सब फॉर सेल है। एक ये है ये ओरिजिनल बर्गरी ब्रीडर ब्रीडर है, ओरिजिनल ब्रीडर, ये फॉर सेल। ये सब फॉर सेल है, जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर लीजिएगा। देखिए ये देखिए मार्बल फिल्म है, ये देखिए माशाल्लाह, इसको देखिए काफी सेहतमंद है, हेल्दी है। इनको देखिए, ओरिजिनल ब्रीडर हैं ये, अंडू के ब्रीडर। ये देखिए ये दो शेर, सब डर रहे हैं इनसे, इनसे इनसे सब डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं ये भी डर रहे हैं भाई मेरे। सो कहते हैं डेंजर है, मगर ऐसे हैं कि हर दम गंदे हो जाते हैं। अब ठंडी के मौसम में भी नहलाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इस वजह से डर भी रहे हैं। अब धूप अच्छे से निकले तो नहलाएं इनको। क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं ये शेर का बाल है, वाकई का बाल नहीं है। ये देखिए क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखिए सामने से देखिए। एक ये है, दंगल चल रही है। भाई इधर मत आना, नहीं भाग जाएंगे। सींग बहुत बड़े हैं इनके, सीधा हो जाए तो कम से कम इतना लंबा होगा। हाँ हाँ इससे कम नहीं है, ओरिजिनल ब्रीडर है भाई, इसको कहते हैं ब्रीडर। ये देखिए, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ। वो तो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। अब सारे बच्चे इन्हीं के हैं, जितने बच्चे हैं इन लोग से ब्रीड लेने के बाद वापस इन लोग को इस बाड़े में रख दिया जाता है, जो कि सारी बकरियां उस वाले बाड़े में है, सामने वाले में। और जितने बच्चे ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं ब्रीड, मतलब जो इनके साथ आए थे, ये दोनों के हैं, ये दोनों मेन, ये दोनों यहाँ के मेन ब्रीडर है। ये देखिए तमाम इन्हीं के बच्चे हैं अभी। और ये देखिए ध्यान दें इन लोग के एग्रेसिव पे भाई। और अंदर जो बच्चे देखे हैं, जो बच्चे देखे जितने तमाम बच्चे जो देखे हैं ज्यादातर इन्हीं के हैं। नजर आने पे एग्रेसिव में दिखा रहे हैं अपना, शर्मा रहे हैं क्या? शर्मा रहे हैं ये भाई लोग, यही भाई लोग देखते हैं अपना सारा संभालते हैं, यहाँ का देख रेख करते हैं। इन लोगों का तो हालत खराब हो रहा है, क्या करे, डैड डैड होता है ना, बाप बाप होता है, अब बेटा बेटा होता है। ये देखिए बकरियों के साथ अलग से रखने की वजह से इन लोग पीठ बच्चा करते हैं, बकरियों से अलग रखने से इन लोग अच्छे से खाते भी हैं, और उन लोगों के साथ रखेंगे इन लोग ध्यान रखिएगा, देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं।
अभी उनके पास होता तो उन्हीं के पास रहते, खाते कुछ नहीं और दुबले पतले लगते हैं। नहीं लोग कहेंगे भाई कैमरे के प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो तेज से कर दीजिए। देखिए भाग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। क्या कह रहे हैं, किसको मार दें? आपको मार दिए थे? अरे बहुत ही खतरनाक सींग है ये सब, ऐसे ही भैंस से लड़ जाए। अरे हमारे पास भी था नहीं, वो तो छोटा सा, ये तो बड़ा है यार, इसका क्या होगा आलम। बंद कर दीजिए, गेट बंद कर दीजिए, आपको डिस्टर्ब करेंगे, बाहर जाने की इच्छा। ये देखिए शांत हो गए अब अब खाना चालू। अच्छा यही दो से देखो, बकरियों के लोगों को महक भी मिलता है। देखो देखो जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब खाली जा रहे हैं, देखते हैं मेरे थोड़ा नॉलेज हो गया है, बकरियों को महक मिलता है। अच्छा ये दोनों जहाँ जा रहे हैं सब भाग जा रहे हैं, सन्नाटा ले ले रहे हैं। सींग देखिए इतनी बड़ी बड़ी सींग यार, घुमा के मार देंगे तो आदमी समझ लो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। दो शेर एक जगह है और बाकी सब बकरे उधर है। ये देखिए मटर की चुनी और भूसा है, बढ़िया है, सही है, अच्छे से खा रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, क्वालिटी देख लो ना इसकी, क्वालिटी पता चलता है। अभी जो ना ले ना, क्या 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 कह रहे हैं? अच्छा रहर का चुनी है, रहर चुनी मक्का है और भूसा। हाँ और भूसा सर, इनका अलग चक्की भी है, दाना यहाँ पे खुद बनवाते हैं। क्या दाना बनाते हैं मुर्गा? मतलब मुर्गी के दाना, बकरे के दाना, तमाम दाना, मतलब इनके पास सब चक्की अपने पास है ये उपलब्ध। ये भाई पूरा 5 एकड़ में जमीन है, इसके पीछे भी बता रहे हैं, इसके पीछे टोटल है, बस इसमें पूरा सब्जी वब्जी लग जाते हैं और बकरे से रिलेटेड सब्जी लग जाते हैं, चारा लग जाता है, और मुर्गी का वो मुर्गी क्या है, लेयर फॉर्म है। अच्छा अंडे के फॉर्म, और इधर बस थोड़े में बकरे फॉर्म कर रहे हैं। अंकल बोल रहे हैं कि आगे चल के इसको बढ़ाएंगे बकरी को जो। अच्छा कितने साल हो गए आपको किए? हाँ गुड फॉर्म, ये हम सब किया 5-7 साल। अच्छा शौक में मतलब सब किया है। हाँ ज़्यादा आप बेचते होते नहीं, ज़्यादातर अपने पर्सनल यूज? नहीं अब तो बेचेंगे, अब बेचने लगे हैं, मतलब पहले नहीं करते थे, पहले अपने पर्सनल यूज के लिए रखे थे, क्योंकि ये बकरियों के पर्पस है कि इनके पास 100 बकरी का टारगेट रखे हैं, पहले 100 बकरी इनकी तैयार हो जाएगी, फिर उसके आगे ये बकरी भी सेल करेंगे, जो कि आप ब्रीड का क्वालिटी देख चुके हैं। अरे वही क्वालिटी देख चुके हैं, ब्रीडर का भी क्वालिटी देख चुके हैं, पर्पस भी बढ़िया है इनकी बकरी। ये कल मतलब ये दोबारा एक वीडियो बनाएंगे तो इस पर मिल्किंग पर्पस में मॉर्निंग के समय आएंगे तब दिखाएंगे आपको, अडर वगैरह दिखाएंगे, काफ़ी मतलब जाइंट साइज का है यार, अभी बढ़िया है और बच्चे भी काफ़ी हेल्दी है। अब सब बच्चे सब बकरी बकरे ब्रीडर सब अंदर हो चुके हैं, शाम का वक्त हो गया, अब ठंडा है, ठंडी के मौसम में पहले अंदर कर दिया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये कमेंट भी जरूर करिएगा, और जो सेल के लिए है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर हम दे देंगे, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर इससे पहले भी दिए थे, नंबर इससे पहले भी इनका था आपके, दोबारा फिर देंगे, दोबारा फिर वीडियो नंबर, हर वीडियो में नंबर रहेगा इंशाल्लाह। बैरिक आप नंबर से बात करिएगा। गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर इसके अगला पार्ट बनाएंगे, अगला पार्ट बच्चों के लिए होगा। और पीछे देखिए ताक रहा है, बन गई वीडियो, चलो जल्दी से जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। नहीं।